नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कैल्शियम की कमी है, अगर कैल्शियम डिफिशियंसी है बॉडी में, तो क्या क्या प्रेजेंटेशन रह सकते हैं, सिम्टम्स क्या क्या रह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ बॉडी कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट वेज. नाउ सबसे जो कॉमनेस्ट सिम्टम्स रहते हैं, पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब मुझे अक्सर रात में या कभी के दिन में भी मुझे मसल क्रैम्प्स आते हैं, स्पेशली काफ मसल्स में, पैरों में. एंड दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट कैल्शियम लेवल्स कैन लीड टू द मसल क्रैम्प्स, स्पाजम्स एंड समटाइम्स वीकनेस. पेशेंट बोलता है मैं फटिगेबिलिटी बहुत जल्दी महसूस कर रहा हूँ, मैं जल्दी थक जा रहा हूँ. मसल रिक्वायर्स कैल्शियम फॉर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. और जो सिम्टम्स आते हैं, ब्रिटल नेल्स एंड हेयर्स. कई पेशेंट्स बोलते हैं कि सर हमारे नेल्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं, है ना, हेयर बहुत जल्दी फॉल हो रहा है. अगेन कैल्शियम डिफिशियंसी कैन रिजल्ट इन ब्रिटल नेल्स दैट आर प्रोन टू ब्रेकिंग. और ड्राई हेयर्स, अगेन वन ऑफ द सिम्टम ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी. कई पेशेंट्स को बोन इश्यूज डेवलप होते हैं. कैल्शियम इज बेसिकली अ प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स. नाउ डिफिशियंसी में समटाइम्स प्रेजेंट विथ ऑस्टियोपेनिया. नाउ ऑस्टियोपेनिया इज ऑकर व्हेन देयर विल बी अ माइल्डर टू मॉडरेट डिग्री ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी. बट सम पेशेंट प्रेजेंट डायरेक्टली विद द ऑस्टियोपोरोसिस. नाउ ऑस्टियोपोरोसिस इज, अगर मैं बोलूं ऑस्टियोपोरोसिस क्या रहता है, कि फ्रेजाइल बोन्स रहते हैं एंड दीज पेशेंट्स आर प्रोन टू पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स. देन टूथ प्रॉब्लम्स, अगेन इनसफिशियंट कैल्शियम कैन अफेक्ट डेंटल हेल्थ. कई पेशेंट्स डेंटिस्ट के पास जाते हैं बिकॉज ऑफ द वीकेंड एनिमल. इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू कैविटीज एंड अर्ली टूथ लॉस. बहुत पेशेंट्स प्रेजेंटेशन में आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे हाथ पैर में मुंगिया सरीका लग रहा है, टिंगलिंग नमनेस सरीका लग रहा है. अगेन अ सिम्टम ऑफ लो कैल्शियम लेवल. एज आई एक्सप्लेन, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द नर्व फंक्शन बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन टू द सेंसिटिविटी ऑफ द नर्व्स. सो कॉजिंग डिक्रीज सेंसेशन ऑफ नर्व फंक्शन. ओके, एंड बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मुझे ओपीडी में मिलते हैं, एंड वन ऑफ द कॉमनेस्ट कंप्लेंट इज डॉक्टर साहब हमारे उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में झंझनाहट आती है, चीटियां सरीका लगता है, नम लगते हैं. नाउ दैट कुड बी द another reasons like diabetic neuropathy and herpetic neuralgia and other things, but calcium deficiency is again one of the cause of tingling and numbness. Then already I have explained fatigue or weakness. Agar calcium ki kami hai, to fatigue or weakness ka complaint patient ki taraf se aata hi rehta hai. Calcium is involved in energy production in cells. A deficiency may lead to fatigue, weakness and general lethargy. फिर patients की बहुत सारा complaint रहता है कि हमें muscle aches और spasm है, पूरा शरीर में pain रहता है और spasm रहता है. Again, insufficient calcium can cause muscle aches and uncontrolled muscle spasms. Sometimes patient come with mood changes and depression. अगर ये वाला symptom मैंने आपको विटामिन डी थ्री डिफिशियंसी में एक्सप्लेन किया है. सो एज आई एक्सप्लेन, कैल्शियम एंड डी थ्री गो हैंड इन हैंड. कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है. बहुत सारे पेशेंट्स मेंटल इश्यूज के साथ में, डिप्रेशन के साथ में, अगर उनका कैल्शियम लेवल और डी थ्री लेवल टेस्ट किया गया है तो उनमें कम पाया गया है. सच पेशेंट्स आर प्रेजेंट विथ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी रहती है पेशेंट को, एंड समटाइम्स दे प्रेजेंट विद डिप्रेशन. देन और भी कुछ प्रेजेंटेशंस है कैल्शियम डिफिशियंसी लाइक डिफिकल्टी इन ब्लड क्लॉटिंग. कई पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारा कहीं जख्म हो जाता है, कहीं कट लग जाता है, तो ब्लड स्टॉप होने को टाइम लगाता है. इट्स अगेन कैल्शियम डिफिशियंसी. One of the symptoms, which is very rare, but it sometimes present in heart rhythm issues. Calcium is one of the crucial for proper heart muscle contraction and relaxation.
एंड इट मेंटेन्ड अ स्टेडी हार्ट बीट. अ डिफिशियंसी, अगर कुछ होती है कैल्शियम की डिफिशियंसी तो हार्ट में इरेगुलर रिदम्स प्रेजेंट हो सकते हैं. देन इफ कैल्शियम डिफिशियंसी एंड विटामिन डी डिफिशियंसी चाइल्डहुड में प्रेजेंट होती है, चाइल्डहुड में अगर इसकी कमतरता रहती है तो कुछ ग्रोथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कुछ पेशेंट्स में, कुछ बच्चों में हाइट कम रह सकती है और ग्रोथ रिटार्डेशन भी रह सकता है. सो एज आई एक्सप्लेन्ड, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर ये पूरे सिम्टम्स को हम देखें, हमारे हार्ट पे फंक्शंस है, बोन्स के, टीथ के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, देन मूड चेंजेस, स्विंग्स, सो ओवरऑल कैल्शियम अगर आप देखोगे तो ओवरऑल सभी सिस्टम पर इसका इम्पैक्ट है. सो एज आई एक्सप्लेन, मैं आपके साथ में ऑलरेडी बातचीत करता हूँ कौन कौन से फूड्स में ये ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको ये डेफिनेटली रोजमर्रा की जिंदगी में इसका सेवन बढ़ाना है. नाउ अगर कैल्शियम कम है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दी सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं. अभी मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ. अगर कैल्शियम बहुत दिनों तक डिफिशियंट रह रहा है बॉडी में तो उसकी वजह से क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं, आप प्रोन हो सकते हो, प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं. सो एज आई सेड, कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ एंड टीथ हेल्थ. सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग कैल्शियम डिफिशियंसी, यह मात्रा की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है. सो समटाइम्स इट प्रेजेंट विथ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस, अ वेरी कॉमन कंडीशन वेयर बोन्स आर बिकम फ्रेजाइल एंड इट बिकम्स, हम जिसको मराठी में हम ठिसुड़ भी बोल जाते हैं, बोन ठिसुड़ हो जाती है एंड दे आर ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर्स. कई पेशेंट्स आते हैं सीवियर बैकएक के साथ में, जो पेशेंट बैठ भी नहीं पाते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स, और हम जब एक्सरे करते हैं सो वर्टेब्रल फ्रैक्चर्स, कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर्स दिखाई देते हैं. अगेन हम वहाँ मैनेजमेंट तो शुरू कर देते हैं लेकिन साथ में हम कैल्शियम और विटामिन डी थ्री सप्लीमेंट्स इमीजिएटली स्टार्ट करते हैं. कमिंग टू दी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म. ये जनरली उन पेशेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है जिनमें पैराथायरॉइड हार्मोन की कमी मिलती है एंड दैट लीड्स टू दी लो कैल्शियम लेवल्स एंड दीज पेशेंट प्रेजेंट विथ मसल स्पाज्म, टिंगलिंग एंड अदर सिम्टम्स. ऑस्टियोपेनिया मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इट इज सिमिलर टू ऑस्टियोपोरोसिस बट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हमको कम दिखाई देते हैं एंड इट इज स्टार्ट ऑफ द कैल्शियम डिफिशियंसी. कैल्शियम लेवल्स आर लोअर देन द नॉर्मल बट वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट एंड वी कैन प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस. देन इन चाइल्डहुड अगर बहुत कम एज में अगर हमारे कैल्शियम डिफिशियंसी शुरू हो गया है, स्पेशली इन द चिल्ड्रन एज ग्रुप, these can precipitate rickets. Rickets में generally जो patients हमको present करते हैं बच्चे, it's pediatric OPD में present करते हैं, they are present with skeletal deformities and it is all because of the soft bones. Then next disease which is common in calcium deficiency is hypocalcemia tetani. बहुत बार patient low calcium की वजह से tetani यानी ट्विचिंग्स रहती हैं या मसल स्पाजम्स रहता है, नमनेस रहता है, समटाइम्स इवन कन्वल्शंस कैन ऑकर, फिट की बीमारी पर शुरू हो सकती है, बट इसका कारण कैल्शियम डिफिशियंसी के अलावा हमको बाकी भी कारण रूल आउट करना जरूरी है. जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कैल्शियम डिफिशियंसी का, कैल्शियम का रोल हार्ट के लिए भी बहुत, रिदम, हार्ट रिदम के लिए भी बहुत जरूरी है. So it is important not only for the heart rhythm but even for the blood pressure. Very severe deficiency of calcium can present with increase in the blood pressure and causes hypertension. Calcium कम है तो क्या क्या development issues हो सकते हैं बच्चे को, and sometimes pregnant mother के लिए pre-eclampsia यानी patient के मदर के ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दी मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स, टू टेक रेगुलर कैल्शियम एंड विटामिन डी थ्री. देन अगेन कमिंग टू दी मसल डिसऑर्डर्स, अगेन लो कैल्शियम लेवल्स में कंट्रीब्यूट टू मसल वीकनेस, स्पाज्म एंड क्रैम्प्स.
पेशेंट्स अगर फटिग फील कर रहा है, अर्ली फटिग हो रहा है, मैं जल्दी थक जाता हूँ, नींद बरोबर नहीं आ रही है, मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है, यू शुड कॉन्टेक्ट यूर डॉक्टर एंड ट्रीट यूर सेल्फ अकॉर्डिंगली. एज आई सेड, हाइपरटेंशन कुड बी द रीजन, वन ऑफ द रीजन फॉर हाइपरटेंशन इज कैल्शियम डिफिशियंसी. सो एज आई एक्सप्लेन इन डेप्थ अबाउट द नंबर ऑफ डिजीजेस, क्या क्या हो सकती है डिजीजेस अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी है. अगेन रिक्वेस्ट टू इंक्लूड द कैल्शियम रिच फूड्स इन योर डाइट एंड बिकम हेल्दी.